स्नातकान् अस्माश्च अनुग्रहीतुं समागत्य मुख्यातिथित्वं भजन्ते इति महत्प्रमोदस्थान विषयः। येषां आनुकूल्येन संरक्षकत्वे च विश्वविद्यालयोऽयम् आञ्जस्येन सोद्देश्यम् आसादयितुं प्रभवति तेषाम् अत्र विशिष्टातिथित्वं विभूषयतां शिक्षा कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रिणाम श्री धर्मेंद्र प्रधान महोदयानाम साभिनंदनम स्वागत वचांसि अभिदधाम। येषां सहयोगेन प्रशासन विधिः सुसंपद्यते तेषां कार्यपरिषदः विद्यापरिषदश्च सदस्यानां विशिष्टानां सम्माननीयानां विदुषां राष्ट्रपति भवनस्य शिक्षा मंत्रालयस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य चाधिकारिणां विश्वविद्यालयस्य आचार्याणां च स्वागत विधिम् अनुतिष्ठान। अस्मिन् अवसरे समुपस्थितानां समेषां स्नातकानां अन्तेवासिनां विश्वविद्यालयस्य सेवानिवृत्तानां आचार्याणां अधिकारिणां कर्मचारिणां एनसीईआरटी जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जामिया मिलिया विश्वविद्यालयेभ्यः समागतान् विदुषां च प्रीति प्रमुख वचनं साभिनंदनं स्वागतं उदीरयामि। मान्याः संस्कृत विद्यायाः संरक्षणं संवर्धनं च हृदि निधाय पूर्व प्रधानमन्त्रिणा श्री लाल बहादुर शास्त्री महोदयानां आध्यक्षे महामहोपाध्याय पद्मश्री डॉक्टर मंडन मिश्र महोदयैः महता परिश्रमेण तपसा च विश्वविद्यालयोऽयं संस्थापितः। तस्य संकल्पस्य परिपूर्तये महामहोपाध्याय आचार्य वाचस्पति उपाध्याय महोदयैः बहुधा विकासः प्रापितः। तादृशं महत्तरं लक्ष्यं पुरस्कृत्य विश्वविद्यालयः सर्वस्तरेषु विकासक्रमं प्रवर्तते निरन्तरं प्रयत्नशीलो वर्तते। विश्वविद्यालयोऽयं निरन्तरं विश्वविद्यालयानुदान योग दिशा प्रगतिपथे अग्रे सरति भारत सर्वकारस्य च दिङ्निर्देशमनुपालयतानेन अभिनवायाः राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः अविलम्बेन सोत्साहं प्रवर्तनं करणीयमिति धिया सर्वेषु विभागेषु नवीनानां पाठ्यक्रमाणां निर्माणं विधाय अविलम्बमेव प्रतिविभागं प्रतिविद्याशाखं सर्वतोभावेन तत्क्रियान्वयनं विहितम्। सम्प्रति अस्माकं विश्वविद्यालयः राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः पूर्णतः पालनपूर्वकं तदनुरोधेन पाठ्यक्रमं प्रवर्तयति। कियद्वा शक्यमुन्नेतुं स्वतर्कमनुधावता इति भर्तृहेर्वचनमनुसृत्य विद्याक्षेत्रे विस्तारमीहमानोऽयं विश्वविद्यालयः अर्वाचीनजनानां साम्प्रतिकानां च समावेशार्थं प्राच्यविद्याशाखाभिः वेदान्तादिभिः वेदादिभिश्च सह प्रत्यासत्तिं सम्पादयितुं च एमए हिंदी एमए अंग्रेजी समाजशास्त्र प्रभृतीनां पाठ्यक्रमाणां शुभारम्भम् अकार्षीत् येन संस्कृतभाषोत्सङ्गे तथाविधानामपि समाकलनेन मिथः अस्मदीय दिव्यसौरभस्य तेष्वपि परिव्याप्तिः स्यात्। जिज्ञासूनां भारतीय संस्कृतेः प्राच्यविद्यायाश्च अन्तरंग परिचयो भवेदिति एमए हिंदू अध्ययन नामना अभिनव विषयस्य पाठ्यक्रमारभ ऐदं प्राथम्येन विहितः। महिला शिक्षायां तासां शक्तिकरण दिशि चास्माकं कश्चित् दृढतरः अभिनिवेशो वर्तते इति तासां सर्वविधं बौद्धिक विकासं समुन्नयनं च लक्ष्यीकृत्य महिला अध्ययन केन्द्रस्य पुनरारम्भः कृतः। यदाधारेण ज्ञानवर्धक क्रियाकलापानां तदनुगुण विविध प्रवृत्तीनां संचालनं भवति येन न केवलं तद्विषयिणी जागरूकता एव आधीयेत अपितु तदुन्नतेः सर्वतोमुखं द्वारं उद्घाटितं भवति। शास्त्रीयां प्रतिभामतिरिच्य अधीयानेषु युवसु तिरोहितं विद्यमान कौशलं तद्गत कलाप्रकर्षं च समुन्नेतुं प्रोत्साहयितुं च मध्ये मध्ये कल्पद्रुम युव समारोहः सोल्लासम् अनुष्ठितो भवति। अस्माकं छात्राणां न केवलं शास्त्राधारितं बुद्धिवैभवम् अपितु क्रीडाक्षेत्रे अपि अन्ताराष्ट्रियस्तरे सफलता संस्तूयते। कजाकिस्तानेन समायोजितायां सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप स्पर्धायां रजत पदकम् अवाप्य विश्वविद्यालयस्य गौरवं वर्धितवान् अस्माकं छात्रः। अनुसंधानेन कक्षाध्यापनेन च सह
लोकहित चिंतन दिशा कार्यांतर संलग्नानपि सामाजिकानां कर्मकांड ज्योतिष विषयिणीं जिज्ञासां पूरयितुं तदीयोद्योगावसरं च समेधयितुं अस्माकं विश्वविद्यालयः विविधानां अंशकालिक पाठ्यक्रमाणां संचालनं करोति येन साधारण जनापेक्षायाः पूर्त्या विश्वविद्यालयानुगुणं शिक्षायां लोकहित साधिका समग्रता सम्पाद्येत। एतत् सातत्ये साम्प्रतिकापेक्षामनुमाय डिजाइनिंग कोर्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑफिस ऑटोमेशन प्रभृतीनां शुभारंभोऽपि अस्माभिः विहितः। विद्यासंस्थासु पुस्तकालय शोधदृष्ट्या विद्याधिगमदृष्ट्या वा कीदृङ् महत्त्वम् इति विदितमेव विद्वत्सु अनुसंधानरसकेषु च अस्मदीये केन्द्रीय विश्वविद्यालये आधुनिक प्रौद्योगिक्याधारितस्य पुस्तकालयस्य सौविध्यम् उपलब्धं स्यादिति तस्य पूर्णतः अंकीय प्रारूपणं डिजिटाइजेशन कृतं विद्यते। दृष्टिबाधित जनानां कृते सेल्फ इन चेक आउट सिस्टम सौविध्यमपि उपलब्धितम्। संप्रति पुस्तकालये आरएफआईडी प्रौद्योगिक्याः उपयोगः क्रियते। आंतरिक गुणवत्ताश्वासन प्रकोष्ठ द्वारा मध्ये मध्ये कार्यशालानां आयोजनेन आत्ममूल्यांकनं विधातुं विविधस्तरे अद्यतनताम् आनेतुं च प्रयासो विधीयते। अतएव च प्रतीक्षमाणानां प्रोन्नतिर्भवतु रिक्तपदेषु नियोजनं वा भवतु तत्र यथा नियमं योग्यानां चयनेन यथाकालमेव विश्वविद्यालयः पुष्टिं प्रापितः। अनुरूपाचार्य समृद्ध्या विद्यावैभवेन च विश्वविद्यालयम् आनुगुण्यं भजते इति। इत्थम् अध्ययनाध्यापनाभ्याम् अतिरिक्तानां विविध प्रवृत्तीनां व्याख्यान संगोष्ठी प्रभृतीनां च संयोजनेन विश्वविद्यालयोऽयं स्वलक्ष्यम् अधिगन्तुं निरन्तरं प्रयतमानो वर्तते स्वकीयं चारितार्थ्यं च समक्षयति समेषां पुरतः। अन्ते पुनरेकवारं समागतेभ्यः अतिथिभ्यः आचार्येभ्यः अधिकारिभ्यः कर्मचारिभ्यः स्नातकेभ्यः पत्रकारबन्धुभ्यः छात्रेभ्यश्च हार्दं स्वागतं व्याहरन् विरमामि इति शम। इदानीं कुलपतयः परमातिथिनां राष्ट्रपतीनां पुष्पगुच्छ श्रीफल पूर्णवस्त्राद्युपहारैः स्वागतं कुर्वन्तु इति अहं प्रार्थये। मान्याः कुलपतयश्च विशिष्टातिथिनां मन्त्रीमहोदयानां पुष्पगुच्छश्रीफल पूर्णवस्त्राद्युपढौकनैः स्वागतं विदधतु इति अहं प्रार्थये। सम्प्रति विश्वविद्यालय कुलपतयः दीक्षांत समारोह प्रारंभं समुद्घोषयन्तु इति अहं प्रार्थये। प्रथम दीक्षांत महोत्सवस्य शुभारंभो विधीयताम्। पूर्व प्रधानमन्त्रिणां श्री लाल बहादुर शास्त्रिणां विचार संबलितं ध्वनि मुद्रण यंत्रं यांत्रिक विभागीयाः श्रावयितुं प्रयतन्तामिति निवेदये। भारतस्य भूतपूर्व प्रधानमन्त्रिणः श्रीमतो लाल बहादुर शास्त्रिणः
कुशल नेतृत्वे नास्य संस्थापना जाता। संस्कृत एक नींव है, एक आधार है, जिस पर आज भारत की प्राय सभी भाषाएं बनी है, खड़ी हुई। और इतना ही नहीं, एक भारत की संस्कृति सारी, भारत के जो कुछ धार्मिक भावनाएं हैं, वो सब संस्कृत में निहित है, संस्कृत में छिपी हुई। चाहे स्तोत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे ऋचाएं हो, जो भी हैं, वो सब संस्कृत में है। और उनकी वाणी का आज भी एक जबरदस्त असर और प्रभाव हर एक भारतीय पर पड़ता है। और इसलिए आज ये जो संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना है, ये एक सुंदर कल्पना है। कुछ वर्षों से ये चल रही है, लेकिन इसने इधर एक तेजी से प्रगति की। काम इसका आगे बढ़ा है, शोध का काम भी आगे बढ़ा है, एक सुंदर पुस्तकालय का भी प्रारंभ हुआ है, जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय रूप देना है। और भी दूसरे काम पठन पाठन के आज संस्कृत विद्यापीठ कर रहा है। जैसा कहा गया, इसकी कल्पना, हमारी आकांक्षाएं बड़ी हैं। हम इसको एक ऐसा केंद्रीय केंद्र बनाना चाहते हैं, जहां केवल भारत के ही लोग नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग आकर यहां रहें, संस्कृत पढ़ें, सीखें, यहां के शोध के काम को, रिसर्च को उसे देखें। और यदि वो रहकर यहां कुछ संस्कृत पर काम करना चाहते हैं, तो वो भी करें। तो इस रूप में हमारा विचार है कि विद्यापीठ एक आदर्श संस्था बने और इस राजधानी के अंदर उसका स्वरूप वही होना चाहिए, जो कि ऐसी संस्था के लिए स्वाभाविक है। अद्य दीक्षांत महोत्सवे 2018 तः 2023 वत्सरम यावत् शास्त्री आचार्य विशिष्टाचार्य शिक्षाशास्त्री शिक्षाचार्य विद्यावारिधि नानांशकालिक पाठ्यक्रमाणां 4423 स्नातकाः स्वस्व उपाधिं भवतीनां प्रसादात् लप्स्यन्ते। अतः स्नातकानां अनुशासनार्थं प्रार्थये विश्वविद्यालयस्य कुलसचिववर्यान् आचार्य प्रेमकुमार शर्मा महोदया। सर्वे उपाध्यर्हः स्नातका उत्तिष्ठन्तु। माननीयः कुलपतयः, अहं भवतः प्रार्थये यत् विश्वविद्यालयस्य स्नातकान् उपदिशन्तु अत्र भवन्तो भवन्तः। अहं त्वाम् एवम् उपदिशामि, सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमतः, सत्यान् न प्रमदितव्यं, धर्मान् न प्रमदितव्यं, कुशलान् न प्रमदितव्यं, भूत्यै न प्रमदितव्यं, देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, यान्यस्माकम् अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकम् सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, एवम् उपासितव्यम्, एवमेव उपासितव्यम्। शिवास्ते सन्तु पन्थानः। सम्प्रति कुलपति महोदयानाम् अनुमोदनम्। अहं
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतित्वेन भवतः अनुमन्ये अनुरुन्धे च यत् भवन्तः स्वकीयस्य अस्य उपाधेः आत्मनः अर्हतां साधयेयुः इति। सर्वे स्नातकः उपविशन्तु। धन्यवादः। माननीयाः राष्ट्रपतयः सम्प्रति प्रार्थ्यन्ते यत् कृपया एभ्यः षट् छात्रेभ्यः स्वर्णपदकं प्रयच्छन्तु इति। तत्र प्रथमः, एतानि यानि स्वर्णपदकानि भवन्ति तानि भवन्ति पूर्वराष्ट्रपति डाक्टर् शङ्करदयालशर्मा स्वर्णपदकानि। स्वर्णपदकाराः छात्राः षट् सन्ति, तेषु 2018 वर्षस्य छात्रः श्री रवीन्द्रकुमार पण्डा, एकोनविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमवर्षस्य श्री छविलाल नौपाने सज्जः अस्तु। टू थाउजेंड ट्वेंटी वर्षस्य श्री सुदेश सिंह सज्जोस्तु। टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वर्षस्य श्री क्षेमराज रेग्मी। टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वर्षस्य श्री प्रीतांबर पौडेल। टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वत्सरस्य श्री राजेश चंद्र सती। सम्प्रति भारतसर्वकारे शिक्षाकौशलविकासोद्यमशीलतामन्त्रिणः माननीयाः विशिष्टातिथयः श्रीमन्तः धर्मेन्द्रप्रधानमहोदयाः स्वीय उद्बोधनाय सादरं निवेद्यन्ते। आदरणीयमन्त्रिमहोदय, नमस्कार। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की प्रथम दीक्षांत समारोह में मंच पे उपस्थित भारत की महामहिम राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय की आदरणीय विजिटर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, विश्वविद्यालय की सभी प्राध्यापक, छात्र तथा अन्य कर्मचारी मित्रगण, आज जिनको मानक मिला, उपाधि मिला, ऐसे सारे विद्यार्थी तथा अभिभावक समूह, देवियों और सजनों, पत्रकार साथीगण, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण भारत में संस्कृत शिक्षा को एक नया आयाम उसे जोड़ा गया, नई पहल हुई। 60 साल से ज्यादा पुरानी ये विद्यापीठ
प्रारंभ के दिनों में एक सोसाइटी की नाते अपना काम शुरू किया था। बाद में 80 दशक में कल्पना होते होते 90 दशक की प्रारंभ में डीम टू यूनिवर्सिटी की मान्यता तक पहुंची। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा शुरू की 2014 में, भारतीय मूल ज्ञान भंडार को, जिसकी कुंजी संस्कृत भाषा के अंदर है, उसको एक नई गति देने के लिए, उसको स्वतंत्रता देने के लिए मोदी जी की सरकार ने भारत की 3 संस्कृत विश्वविद्यालय की पुनर्रचना की। मैं शब्द लगा रहा हूं पुनर्रचना, पहले से ही पठन पाठन और अनुसंधान की काम हो रहा था, लेकिन कुछ हर्डल्स होते थे, कुछ दिक्कतें रहती थी, उसको 2020 से स्वतंत्रता देके विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई। इसीलिए आज एक सुखद परिस्थिति आई। भारत की परमादरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने स्वीकृति प्रदान की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की, पहला दीक्षांत समारोह में अपना आज हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित है। मैं भारत सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति का। मित्रों, हम सभी लोग महामहिम राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन के लिए उत्सुकता के साथ यहां उपस्थित है। मेरा विश्वविद्यालय की मित्रों को, अधिकारी मित्रों को पहले निवेदन रहेगा, कम से कम अगले साल से, और दुनिया में कोरोना आने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको प्रतिवर्ष आप नियमित रूप में इस दीक्षांत समारोह को निरंतर करते रहिए तो विद्यार्थियों में उसकी उत्साह बना रहेगा। आज मैं जब आपके सामने यहां 2 शब्द कहने की लिए उपस्थित हूं, मैं 2-3 विषय मेरे मन में आ रहा है कहने के लिए। आज हमारे देश में संस्कृत भाषा, अगर मैं यही भी आप लोगों से संवाद करूं, आदरणीय राष्ट्रपति जी कह रहे थे कि 4000 से ज्यादा विद्यार्थियों को आज अपने जिंदगी की सफलता की प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन मैं निसंदेह कह सकता हूं उसमें से लगभग सभी लोग शिक्षकता में जाएंगे, ऐसा ही है ना स्थिति। मैं उसमें से संतुष्ट नहीं हूं। आपको विश्वविद्यालय की मान्यता इसीलिए नहीं दिया गया कि आप फिर शिक्षक ही बनोगे, आप तो शिक्षा देते आए हो और आने वाले दिनों में दोगे, लेकिन विश्वविद्यालय इसीलिए बनाएगा। अभी हम लाल बहादुर शास्त्री जी की कल्पना, इस विश्वविद्यालय को विद्यापीठ के रूप में जब प्रारंभिक दिनों में सोचा गया, उन्होंने तब कल्पना किया था। सभ्यता की सबसे पुरानी ग्रंथ वेद है, वेद संस्कृत में ही लिखी गई थी। वेद सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, सर्व विद्या की एक महाग्रंथ है, और वो सारा विषय को आज के समय में सर्वजन विदित करने के लिए माध्यम संस्कृत भाषा है। समाज की, समाज जीवन की सभी चुनौतियों का, विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, गणित हो, दर्शन हो, साहित्य हो, सारा विषय की वर्णन वेदों में है। लेकिन आज हमारी सभ्यता में, हमारे समाज में वेद सिर्फ एक पूजा पद्धति की प्रतीक बन गया है, उसकी ज्ञान समाज की सामान्य लोगों तक पहुंचाने की दायित्व इसी विश्वविद्यालय की है, संस्कृत विश्वविद्यालयों का ही है। इसलिए सभ्यता की निरंतरता को बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं को महत्व दिया है। भारतीय भाषा, सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन मैं उत्कल से आता हूं, ओडिशा से आता हूं, मेरा अनुभव है, मेरा अध्ययन है। 1500 सदी में यानी आज से 600-700 साल पहले, उस समय में पुराण और महाभारत को उड़िया भाषा में अनुवाद किया गया था। सारला दास उसको अनुवाद किए थे महाभारत को। वो कहां से उसको किए होंगे, किस भाषा की ग्रंथ को पढ़ते हुए उन्होंने किया होगा, संस्कृत भाषा के ग्रंथ को पढ़ के उन्होंने किया होगा। मैं इस विषय को इसीलिए उल्लेख कर रहा हूं, लगभग हजारों साल पहले भारत में ज्ञान की प्रवाह के माध्यम संस्कृत भाषा था। पाली था, प्राकृत था, तमिल था, लेकिन संस्कृत प्रमुखता के साथ था। यह संवाद की भाषा नहीं था, ज्ञान प्रवाह की भाषा था। भारतीय ज्ञान परंपरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख शर्त है। भारत की ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करना है, पुनः प्रतिष्ठापित करना है। सिर्फ कर्मकांड और पूजा रिचुअल्स तक सीमित नहीं करना है, आज के समय में उसको सामूहिक बनाना है, सांप्रतिक बनाना है, कंटेम्पररी बनानी है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है। सिर्फ कंप्यूटर में प्रोग्रामर बना के, कोडर बना के चीजों को संस्कृत भाषा में अनुवाद लायक बना देना शायद ये पर्याप्त नहीं है। विश्वविद्यालय की काम है, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत ने क्या माध्यम अपनाया था उसको आज के समय में, उपचार तो तब भी होते थे, सर्जरी तब भी हुए थे, लेकिन यह सिर्फ विश्वास है या प्रमाण है, यह अनुसंधान के काम विश्वविद्यालय की है। शिक्षक बनिए, बड़े कामों के शिक्षक बनिए। चलो अभी बेस बन रहा है, ठीक है, अभी ये करते रहिए, लेकिन इसको और गहराई से और पीछे तक जाने की, हजारों साल की सभ्यता को, इसलिए हमारे पास कुछ चीज है, इसलिए हम टिके हैं। मित्रों, मेरे दृष्टि से मैं अंत में कहूं, आज विश्व की चुनौती है भाव की आदान प्रदान करना। मैं मानता हूं सबसे वैज्ञानिक भाव की पाणिनि ने, संस्कृत की व्याकरण की विद्वान पाणिनि ने जब इसको कल्पना किया था, सिर्फ एक संवाद की विषय स्थापित नहीं किया था, व्याकरण इसीलिए नहीं बनाया था। सारे भाषाओं को थोड़ा, भारत की सारे भाषाओं को थोड़ा सूक्ष्मता से देखिए, हम कुछ हद तक कह सकते हैं उर्दू को भी देखिए, सारे भाषाओं में सूक्ष्मता से देखिए, ये संस्कृत आधारित है। संस्कृत एक साइंटिफिक टेक्निकल स्ट्रक्चर है सारे भाषाओं के अंदर सूत्र बनाने के लिए। आज आवश्यकता है संस्कृत को एक नया दृष्टि से पढ़ना और पढ़ाना, और विशेष करके उसमें से समसामयिक अनुसंधान करना। ये सारा विषय में इस विश्वविद्यालय और ऊंचाई तक पहुंचे, छात्रों की अनुसंधान की दृष्टि बड़ा हो, ये सभी का दायित्व है। आज पुनः मैं परमादरणीय राष्ट्रपति जी की इस उपस्थिति, इस काम को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, भारतीयता को, भारतीय भाषा को, विशेष करके संस्कृत की मर्यादा को और प्रासंगिकता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संप्रति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः माननीयाः राष्ट्रपति महोदयाः दीक्षांत भाषणार्थं निवेदयन्तु। माननीय राष्ट्रपतयः दीक्षांत भाषणार्थं मया प्रार्थ्यन्ते।
श्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, आचार्यगण, विश्वविद्यालय प्रबंधन की टीम के सदस्यगण एवं सभी कर्मचारीगण, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, अद्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह उपस्थिता अहम नितराम प्रसिद्धामि। अभी हमने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का संबोधन सुना, जिसमें उन्होंने संस्कृत के महत्व का निरूपण किया तथा इस संस्थान की एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में परिकल्पना व्यक्त की है। आप सबको इस संस्थान के महान संस्थापक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सपनों को पूरा करना है। ये संस्थान प्रगति पथ पर और तेजी से आगे बढ़ सके, इसी सोच के साथ केंद्र सरकार के अप्रैल 2020 में इस संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है। देवी और स्वजन, संस्कृत भाषा में एक लोकप्रिय कथन है, भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्थता। इसका भावार्थ ये है कि भारत की प्रतिष्ठा के दो आधार हैं, देववाणी संस्कृत भाषा और हमारी समृद्ध संस्कृति। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की संवाहिका रही है, हमारे देश की प्रगति का आधार रही है और ये भाषा हमारी पहचान भी रही है। संस्कृत भाषा में हजारों वर्षों से निरंतर चली आ रही ज्ञान परंपरा का अजस्र प्रवाह दिखाई देता है। संस्कृत का व्याकरण इस भाषा को अतुलनीय वैज्ञानिक आधार देता है। 14 माहेश्वर सूत्र की आधारशिला पर अष्टायात्रि के रूप में संस्कृत व्याकरण का सुदृढ़ प्रासाद पाणिनि द्वारा निर्मित किया गया है। ये व्याकरण एक मेनू ड्राइवेन सॉफ्टवेयर की तरह सुसंबद्ध है। मैं कहना चाहूँगी कि संस्कृत व्याकरण मानवीय प्रतिभा की अप्रतिम उपलब्धि है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा का कल्प, शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष जैसे विद्यांगों तथा प्रचुर ज्ञान राशि से समृद्ध और विषयों का महासागर कहा जा सकता है। ये भाषा ज्ञान विज्ञान रत्नाकर है। इसमें जितना विस्तीर्ण और गहन अवगाहन किया जाएगा उतने ही अमूल्य रत्न प्राप्त होंगे। यहाँ के विद्यार्थियों को संस्कृत में उपलब्ध शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त है, इसके लिए मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह आज विश्व के कई यूनिवर्सिटी टाउन स्थापित है, ऐसे ही विद्या केंद्र प्राचीन भारत में काशी, तक्षशिला और कांची जैसे स्थानों पर विद्यमान थे। लगभग एक ही कालखंड के दौरान तक्षशिला में पाणिनि ने व्याकरण का निर्माण किया, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र के जरिए राज्य और समाज व्यवस्था से जुड़े कालजयी ग्रंथ लिखे तथा चरक ने औषध विज्ञान की आधारभूत संहिता लिखे। अनेक मूर्धन्य पाश्चात्य विद्वानों ने ये उल्लेख किया है कि प्लेटो और प्लोटिनस जैसे विचारकों के ग्रंथों की शैली उनसे बहुत पहले लिखे गए उपनिषद शैली से मिलती जुलती। इसे विश्व स्तर पर संस्कृति सौगात कहा जा सकता है। योग पद्धति भी विश्व समुदाय का संस्कृत परंपरा की अमूल्य भेंट है। संस्कृत पर आधारित शिक्षा व्यवस्था में गुरु अथवा आचार्यों का सर्वाधिक महत्व रहा है।
हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी अध्यापकों के केंद्रीय महत्व को रेखांकित करती है। मैं आशा करती हूँ कि हमारी परंपरा के अनुरूप आज दीक्षांत समारोह के अवसर पर विद्यार्थी अपने अध्यापकों के प्रति ऋणी भाव और कृतज्ञता की भावना से आगे बढ़ने का संकल्प लेके तथा साथ ही अध्यापक गण माता पिता अभिभावक की तरह विद्यार्थियों के आजीवन कल्याण हेतु आशीर्वाद एवं प्रेरणा व्यक्त करेंगे और उसे बनाए रखेंगे। ब्रह्म पुराणों में सत्य ही कहा गया है, धन्यस्ते भारते वर्षे जायन्ते ये नरोत्तमः, अर्थात ये श्रेष्ठ लोग धन्य है जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है। इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को राष्ट्र गौरव का ये भाव प्रसारित भी करना है तथा उसे और मजबूत भी बनाना है। राष्ट्र गौरव का ये भाव आप सबके कार्यकलापों में भी परिलक्षित होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने नाटक मालविकाग्नि मित्रम के आरंभ में जो अंतर्दृष्टि व्यक्त की है वो आप सबके लिए सर्वथा उपयोगी है। पुराण मित्येव नासाधु सर्वम, अर्थात मात्र पुरानी होने के कारण कई बात या वस्तु उचित और सुंदर नहीं हो जाती है और केवल नहीं होने के कारण कोई बात या वस्तु गलत या खराब नहीं हो जाती है। विवेकशील व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके श्रेष्ठ वस्तु को अंगीकार करते हैं। ना समझ लोग दूसरों के कहने पर किसी बात या वस्तु को अपनाने है या नकारात्मक करते हैं। इसीलिए आप सब विद्यार्थीगण इस बात का ध्यान रखें कि हमारी परंपरा में जो कुछ विज्ञान सम्मत तथा उपयोगी है उसे स्वीकार करना है और जो कुछ रूढ़िगत अन्यायपूर्ण और अनुपयोगी है उसे अस्वीकार करना है। संस्कृत में हंस के नीर खीर विवेक की सराहना की गई है। ये विवेक सदैव जागरूक रखना चाहिए। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन का ये सार तत्व है कि हमारे युवा विद्यार्थी भारतीय परंपराओं में निष्ठा रखते हुए 21वीं सदी के विश्व में अपना समुचित स्थान बनाएं। हमारे यहाँ सदाचार, धर्माचरण, परोपकार तथा सर्वमंगल जैसे जीवन मूल्यों पर आधारित प्रगति में ही शिक्षा की सार्थकता मानी गई है। मैं तो ये मानती हूँ कि जो व्यक्ति सदैव दूसरे के हित में लगे रहते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने सर्वकल्याण के द्वारा आत्मकल्याण की हमारे संस्कृत परंपरा को अवधी भाषा में निबद्ध करते हुए कहा है, परोहित बस जिनके मन माही तन कहो जग दुर्लभ को छू नहीं। सर्वसमावेशी प्रगति किसी भी संवेदनशील समाज की पहचान है। मैं समझती हूँ कि वेद वेदांत का अध्ययन अध्यापन करने वाले इस संस्थान में गार्गी, मैत्री, ओपाला, रोमसा, लोपामुद्रा और मंडन मिश्र की भार्या अभय भारती जैसी विदुषी महिलाओं के विषय में विशेष जानकारी भी है और सम्मान भी। इसलिए मैं चाहूँगी कि इस विश्वविद्यालय में छात्राओं को और अधिक प्रोत्साहन मिले तथा उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के पर्याप्त अवसर मिले। हाल ही में एक अन्य शिक्षण संस्थान में भी मैंने छात्रों की तुलना छात्राओं की कम संख्या तथा पदक विजेता विद्यार्थियों में भी उनकी कम संख्या देखकर यही सुझाव दिया था। अन्य सभी संस्थानों में, यहाँ तक कि तकनीकी संस्थानों में भी पदक विजेताओं में आप छात्राओं की संख्या
छात्रों से अधिक हुआ करती है। आज यहाँ मंच पर आकर पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में एक भी बेटी नहीं थी। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय समुदाय द्वारा शीघ्रता से बेटियों को आगे बढ़ाने के समुचित प्रयास किए जाएंगे तथा ये स्थिति बदली जाएगी। प्यारे विद्यार्थी, संस्कृत साहित्य में परिचित होने के कारण आप सब ये जानते हैं कि हमारे महानतम कवियों में अपना परिचय छिपाने की आदत थी। इस विश्वविद्यालय में ज्योतिष का अध्ययन अध्यापन भी किया जाता है। ज्योतिष के अध्येता ये जानते हैं कि सूर्य सिद्धांत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ के लेखक का नाम आज तो अज्ञात है। ऐसी ओंकार विहीन उदात जीवन दृष्टि ने ही वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट और जयदेव जैसे कालोजयी महाकवि प्रदान किए हैं। महर्षि अरविंदो के विचारों की मुझ पर और मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। महान दार्शनिक श्री अरविंदो ने देश प्रेम के भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। संस्कृत में उन्होंने भवानी भारती नामक राष्ट्र प्रेम से अर्थप्रद काव्य लिखा था। श्री अरविंदो कहते थे कि संस्कृत हमारे महान अतीत को जानने के साथ साथ भारत के भविष्य निर्माण की भाषा भी है। उन्होंने कहा था, द वाइटल क्वेश्चन इज हाउ वी आर टू लर्न एंड मेक यूज ऑफ संस्कृत एंड द इंडिजिनस लैंग्वेज सो इज टू गेट टू द हार्ट एंड इंटीमेट सेंस ऑफ आवर ओन कल्चर एंड एस्टैब्लिश ए विविध कंटिन्यूटी बिटवीन द स्टिल लिविंग पावर ऑफ आवर पास्ट एंड द येट अनक्रिएटेड पावर ऑफ आवर फ्यूचर। मैं आशा करती हूँ कि अमृतकाल के दौरान भारत के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में इस विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थीगण श्री अरविंदो के परिकल्पना के अनुरूप संस्कृत के माध्यम से अर्जित ज्ञान और शिक्षा का प्रभावी उपयोग करेंगे। मैं आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका मार्ग निष्कंटक हो। सुभाष के संतु पंथाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इदानीं संभूय राष्ट्रगानम्। इदानीं राष्ट्रपति महोदयानां प्रस्थानं भवति। वयं शान्त्या उत्थाय च तेषां सुप्रस्थानिकम् आचरामः।